सतगुरु साहब सच्चे पातशाह के पावन हजूरी जुड़ के बैठे हैं। गुरु वालों बख्शी फतेह की सांझ पाओ। कल रखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज इस पवित्र स्थान से संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा पिंडाने का जन्म स्थान है। जिस स्थान तो मेरी दस्तारबंदी हुई तो आप कौम का एक कार्य रंभिया, अज उस स्थान से इस कौमी कार्य न चलद एक जीवन के बड़े अहम मोड़ से आप आके खड़े। पिछले एक महीने तो जो कुछ वापरिया है वह तुम सारा कुछ देखा, मैं तो होना नहीं थोड़े समय च संखेप च आप गल वेख देनी है। एक महीना पहला जो हुकूमत ने जबर सिखा से ढाया उस जबर न जरा प्रतख इस करके हो गया, जे कल गिरफ्तारी की गल होंगी तो शायद गिरफ्तारी के बहुत तरीके से जिन्होंने मैं सहयोग भी करता, पर जो चेहरा हुकूमत का नंगा होना सी दुनिया भर के सामने होया, जो सिख नौजवानों के जबर ढाया गया। देखो सतगुरु सच्चे पातशाह की कचहरी के असी दोषी नहीं, दुनिया की कचहरी असं दोषी हो सकते हैं। सो एक महीने तो बाद असी अज फैसला किया इस धरती से लड़े हाँ, इस धरती से लड़ांगे, धरती छड़ के कितने नहीं जाते। सो इस करके जिहड़े झूठे केस साढ़े परचे पए ने इनका सामना असी अदालत कर लांगे। तो संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। देखो संगत दी अरदासां तो बिना ना तो एडे घेरिया चो निकल जाना संभव होंगे, संगत दी अरदासां तो बिना ना तो इन्ना लम्मा समा जिहड़ा रूपोश हो जाना संभव होंगे। यह संगत दी अरदासां दे गुरु साहब की कृपा सदका सारा कुछ वापरिया। अज उस स्थान के उत्ते असी आप गिरफ्तारी देने का फैसला किया। ये गिरफ्तारी जिहड़ी है ये अंत नहीं, यह शुरुआत है। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन ये जिहड़ा झूठ का पलंदा साडे खिलाफ सज्जिया गया है इनू भन्नदा संसार जिहड़ा सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करके इनू भन्नणगे ते सीधे ही संगतां दे जिहड़े असी रूबरू जिहड़ा सन्मुख हो के संगतां च विचरांगे। जिहड़ी अमृत संचार की मुहिम जिहड़ी खालसा वहीर असी शुरू की सतगुरु ने साडे कोलों आप कराई है उस खालसा वहीर नूं मुड़ रंभांगे। पर नौजवानों नूं एक मेरी अपील है भी जिस खड्डे पाटे की जिहड़ी पौल छक रहे सी असीं जिहड़े नशियां तों दूर हो रहे सी उस तों तंग आ के हुकूमत ने सारा कुछ कीता है ते हुकूमत तां जित सकदी है जे असीं खड्डे पाटे की पौल तों भगौड़े हो जाईए। पर जे अज असीं इस दा जवाब इस तरीके नाल दईए कि वध चढ़ के नौजवान खड्डे पाटे की पौल छकण, नशे त्याग के गुरु दे लड़न लगन ते पंजाब दे हक्कां लई संघर्ष करन, ते फिर हुकूमत सानूं नहीं हरा सकदी। सो मेरी नौजवानों ने बेनती है कि साडी गैर हाजरी दे विच इदां नहीं समझणा कि हुण असीं अमृत नहीं छकणा, अमृत गुरु दा है, साडे वर्गे हजारां आउणगे हजारां जाणगे। सो इस करके तुसीं अमृत छकणा है, खंडे पाट की पौल छक के अमृतधारी होना, शस्त्रधारी हो के जीवन बतीत करना। सो इन बेनती मैं शुकराना सारी संगत का करना है। सारी संगत ने जिन्ना प्रेम बख्शिया है देशों विदेशों के विच उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद है। सतगुरु कृपा करन तुसीं अरदास बेनती जारी रखनी है क्योंकि तुहाडी